डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और ऑप्शन लेवल है और कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी भी है और हीरो या जीरो 28 जून 2023 के लिए। आज अपना कोई खास तो नहीं हुआ कुछ और मार्केट ने छुट्टी जो था बकरीद का थर्सडे की जगह वेडनेसडे, पहले वेडनेसडे था फिर बोला थर्सडे होगा, तो उस चलते शॉर्टर को लोगों ने ट्रैप किया और मार्केट को खींच के ऊपर की ओर ले गया। अब आने वाले कल के लिए चार्ट में फुल बुलिश है और एफआई के डाटा भी बुलिश है, तो कल भी बाजार में सुबह फर्स्ट हाफ तो तेजी रहना चाहिए, हो सकता है सेकंड हाफ मंथली एक्सपायरी है तो प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। तो लेवल दिए हैं उसी तरह अपने काम करेंगे, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट स्टॉक मार्केट कमोडिटी फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल प्लीज़ प्रेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल HM स्टॉक्स बियर्स। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। टाइम 10 बज गया, उसलिए FI का डाटा मैंने नहीं किया है लेकिन प्रोविजनल डाटा यहाँ पर देता हूँ। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किया, FI ने आज इंडेक्स में 10,385 करोड़ का इंडेक्स बाई किया और सेल किए 7,524 करोड़ का। नेट बेसिस पे 2861 करोड़ का इंडेक्स में बाई किए। LS रेशियो 1.52 और FI ने FNO स्टॉक्स में 1329 करोड़ का बाई किए और कैश में 2024 करोड़ का, और सामने DII ने 1991 करोड़ का सेल किए। और जो डाटा शीट है वो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसलिए वो मैं नहीं बनाया हूँ, लेकिन डाटा बुलिश है तो उस हिसाब से सुबह फर्स्ट हाफ तेजी रहना चाहिए, सेकंड हाफ में हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा लर्निंग पर्पस में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप जॉइन यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। इंट्राडे वेडनेसडे 28 जून 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट जहां बड़े हुआ 19,850 के पास सेल करना चाहिए, 19,900 का स्टॉप लॉस लगा के सपोर्ट 19,720 19,650 तो नहीं आएगा, 720 शायद आ सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 28 जून 2023 के लिए फिन निफ्टी 19,800 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 75 के पास लिए सपोर्ट 49 का, रेजिस्टेंस 177 तक जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 28 जून 2023 के लिए निफ्टी स्पोर्ट लेवल एबव 18,780 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 18,744 का और रेजिस्टेंस ऊपर में 18,860 और 18,902। कल लग रहा है कि 18,900 को टच कर देगा, 902 से 920 तक जाना चाहिए और वहां से फिर एक प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। इंट्राडे वेडनेसडे 28 जून 2023 के लिए निफ्टी 18,800 का कॉल वीकली वाला जहां घटे हुआ 38 के पास लिए 44 का क्लोजिंग दिया है, या तो क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई कीजिए और या थोड़ा वेट कीजिएगा तो 38 के पास मिले तो लीजिए, सपोर्ट 29 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 56, 67 और 79 तक जा सकता है कल के दिन में। इंट्राडे वेडनेसडे 28 जून 2023 के लिए निफ्टी 18,850 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 7.5 के पास ले सकते हो, या तो वेट कीजिए 3.65 के पास मिले तो वहां लीजिए, जीरो सपोर्ट जीरो ही रहेगा, जीरो हीरो और रेजिस्टेंस 84 तक जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 28 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट अबव 44,025 के ऊपर बाई जोन, क्लोजिंग 44,121 का दिया है,
तो क्लोजिंग के ऊपर हो तो भी बाई कर सकते हो, या तो वेट करके 44,025 के पास बाई कर सकते हो। सपोर्ट 43,820 का रहेगा और रेजिस्टेंस ऊपर में 44,310, और 310 के ऊपर कैंडल 15 मिनट सस्टेन करे तो 44,505 तक जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 28 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी 44,300 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 25 के पास लीजिए, क्लोजिंग 48 का दिया, क्लोजिंग के ऊपर चले तब भी ले सकते हो, और या तो इनकेस मुझे लग रहा है थोड़ा सुबह 50-60 पॉइंट नीचे खुलना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है शायद मे बी, तो 25 के पास मिले तो लीजिए। सपोर्ट 10 का रखिए और ऊपर में RST 80, 110 और 146 तक जा सकता है, और क्लोजिंग के ऊपर हो तब भी ले सकते हो आप। इंट्राडे वेडनेसडे 28 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी 44,300 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुए 105 के पास लीजिए, 262 का क्लोजिंग दिया है। सपोर्ट मैंने 3 ठो दिए, 78, 52 और 26, इनकेस वेट कीजिए, हो सके 2-2.5 बजे आपको 26 रुपये में भी मिल जाए, तो ये जीरो हीरो के लिए ये रख दीजिए, ये शायद 365 तक भी बिक सकता है, 3-3.25 बजे ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग आएगा तो ये 365 तक जा सकता है। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।